Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter noun. So today we are going to learn about the number of noun. Some nouns can be counted while other cannot be counted. Nouns that cannot be counted are called uncountable noun. For example, water, soil, bravery, honesty, iron, grass, butter, sugar. They do not have a plural form. So, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, हम उन्हें गिन नहीं सकते. जैसे कि वाटर हो गया, वाटर को हम गिन नहीं सकते कि एक वाटर, दो वाटर. हम मतलब मेजर करने के लिए चीज़ होती है वाटर की, 2 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर, बट हम उसे काउंट नहीं कर सकते कि एक वाटर, दो वाटर. देन देयर आर सॉइल, ब्रेवरी, किसी की ऑनेस्टी, आयरन, ग्रास, बटर, शुगर, ये सब क्वांटिटी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन. हम इन्हें क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन. और इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, टेबल, ट्री, मैंगो, बैट, फैन, बिल्डिंग. मोस्ट काउंटेबल नाउन हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म. अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बॉयज, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, टेबल, ट्री, मैंगो, बैट, फैन, बिल्डिंग. तो ये सारी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं और इन्हें हम इसलिए क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन. और ज़्यादातर काउंटेबल नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं. ठीक है, बट इस सिंगुलर प्लूरल हम आगे देखते हैं. अ नाउन दैट डिनोट वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर इन नंबर. वो नाउन जो सिर्फ एक पर्सन या एक ही चीज़ की बात कर रहा हो, मतलब अगर कोई चीज़ है और वो सिंगल है, मतलब वो अकेला है, एक ही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर. उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर. फ्लावर से पता लग रहा है कि एक ही फ्लावर है. काओ, एक ही काओ. हाउसेज, हाउस, हाउस. सिस्टर, गार्डन. इससे हमें पता लग रहा है एक ही घर, एक ही सिस्टर और एक ही गार्डन. नाउ, नाउन इज इन द प्लूरल नंबर इफ इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग. अगर एक से ज़्यादा चीज़ हो या कोई पर्सन हो तो हम उसे प्लूरल कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लावर्स. फ्लावर्स से हमें पता लग रहा है एक फ्लावर नहीं है, एक से ज़्यादा है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं. काउज, बहुत सारे काउज. हाउसेस, एक से ज़्यादा हाउसेस. सिस्टर्स, एक से ज़्यादा सिस्टर्स. गार्डन, एक से ज़्यादा गार्डन. तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल. सिंगुलर मतलब सिंगल, प्लूरल मतलब वन से ज़्यादा, कितना भी ज़्यादा. स्टडी दिस टेबल टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स. अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिससे हम रूल्स पढ़ेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाएं. ठीक है, जैसे आपने अभी पीछे देखा था, फ्लावर्स को हम, फ्लावर को हमने क्या किया था, फ्लावर्स लिख दिया था. ठीक है, तो वो प्लूरल हो गया था. तो ऐसे कैसे चेंज करना होता है. फर्स्ट वन, मोस्ट नाउन. ज़्यादातर नाउन, ज़्यादातर नाउन कैसे चेंज होते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है, रूल एंड पेंस. रूल एंड पेन दे रखा है, आपको एस ऐड करना होता है. ज़्यादातर नाउन का अगर प्लूरल बनाना है आपको, तो बस एस ऐड करना होता है और वो प्लूरल हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, रूल, एड एस, रूल्स. एक रूल, बहुत सारे रूल. पेन मतलब एक ही पेन, एस ऐड किया, पेंस बन गया, मतलब बहुत सारे पेन. ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा पेन, दो भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पेन. तो मोस्टली नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, नाउन एंडिंग इन एस, एस एस, एस एच, सी एच एंड एक्स. अगर कोई ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में एस आता है, एस एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है या एक्स आता है, तो हम क्या करेंगे,
उसके आगे हम ई एस ऐड करेंगे, उसके आगे हम एस ऐड नहीं करेंगे, उसके आगे ई एस ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बस, बस के लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ड्रेस क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है। ब्रश एस एच आ रहा है। चर्च सी एच आ रहा है। बॉक्स एक्स आ रहा है। तो ये सारे वर्ड आ रहे हैं, इन सभी में एग्जाम्पल मिल गया आपको हर एक का। तो इनके आगे हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है, हम एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाना होता है ताकि हम इसे प्लूरल बनाए। बस बसेज, ड्रेस ड्रेसेस, ब्रश ब्रशेस, चर्च चर्चेस, बॉक्स बॉक्सेस। तो ये सारे इनके प्लूरल हो गए। आगे देखते हैं, नाउन एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय ओ। अगर कोई नाउन है जैसे कि यहाँ दे रखा है टोमेटो, वो ओ से एंड हो रहा है और उसके जस्ट पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। अगर वो ओ से एंड हो रहा है और उससे जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो हम उसके आगे क्या ऐड करेंगे, ई एस। तो उसके आगे क्या ऐड करेंगे, ई एस, लाइक टोमेटोज, हीरोज। ओके, आपको दिख रहा है ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, मतलब टी। ओ उससे पहले कॉन्सोनेंट आर, कोई वोवल नहीं है ना, ए ई आई ओ तो नहीं आ रहा इसके जस्ट पहले, ओ से पहले नहीं, कॉन्सोनेंट है। तो इसके साथ क्या ऐड करेंगे, ई एस। नाउन एंडिंग इन अ वोवल फॉलोड बाय ओ। अब हम वोवल वाला पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो नाउन है वो ओ से ही एंड है, पर इससे जस्ट पहले क्या है, वोवल है। यहाँ पे आपने देखा था कॉन्सोनेंट है, यहाँ क्या है, वोवल, आई आई। तो हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे, एस। इसके साथ क्या ऐड करेंगे, एस। रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोज। रेशो का क्या हो जाएगा, रेशोज। ओके, नाउन एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो सारे वाई से एंड हो रहे हैं और इनसे जस्ट पहले क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट। इनसे जस्ट पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, टी एस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाई को हटा के हम आई कर देंगे और साथ में ई एस लगा देंगे। वाई को हटा के आई करना है और साथ में ई एस लगाना है, इन केस यहाँ कॉन्सोनेंट हो तो। यहाँ देखो सिटीज, सिटीज में से वाई को हटा के हमने क्या लिख दिया, आई और आगे ई एस, सिटीज। डेजी, डेजी में से वाई को हटा के आई लिख दिया और ई एस, डेजीज। ठीक है, नाउन एंडिंग इन अ वोवल फॉलोड बाय वाई। तो यहाँ पे क्या था, कॉन्सोनेंट, अब यहाँ क्या है, वाई। मंकी, प्ले, इसके आगे हमें क्या करना है, सिर्फ एस लगाना है, मंकीज प्लेस। ओके, ये हमने प्लूरल कर दिया। नाउन रीडिंग, नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई। अगर नाउन के एंड में एफ या एफ ई आता है, जैसे ड्वार्फ, स्कार्फ, नाइफ, नाइफ में क्या आ रहा है, एफ ई आ रहा है, थीफ, तो चेंज एफ और एफ ई टू वी एंड एड ई एस एंड और एड एस। ठीक है, आपको क्या करना है, एफ या एफ ई जो लिखा हुआ है उसे हटा के हमें वी ई एस लगाना है। क्या लगाना है, वी ई एस। तो यहाँ देखिए ड्वार्फ है, ड्वार्फ है, तो आप या तो उसे ड्रॉप्स लिख सकते हो, या तो आप उसे ड्रॉप्स लिख सकते हो, या फिर उसे एफ हटा के वी ई एस ड्रॉप्स लिख सकते हो। दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। स्कार्फ हो गया, आप सीधा स्कार्फ लिख सकते हो, या फिर एस सी ए आर वी एस स्कार्फ्स लिख सकते हो। नाइव है, इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको एफ ई हटा के वी ई एस ही लिखना होगा, नाइव्स। थीफ है, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, आपको थीव्स ही लिखना होगा। ठीक है, देन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस वो होते हैं जो रूल फॉलो ही नहीं करते, उनके कोई रूल नहीं होते। ठीक है, एक्सेप्शंस वो होते हैं जिनके कोई रूल नहीं होते और उनको हमें अलग से ही लर्न करना पड़ता है, उन्हें अलग से ही याद करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, मैन, मैन, इसका क्या हो जाएगा, मैन।
इसमें कुछ वोवल चेंज आएंगे। एम ए एन था सिंगल मैन, एम ई एन मतलब एक से ज्यादा मैन, ठीक है। गूस, गूस का क्या हो जाएगा? गीज। फुट का फीट। मोर एक्सेप्शंस, सैल्मन, सैल्मन का हम बिल्कुल चेंज नहीं करते, सैल्मन एक टाइप की मछली होती है, सैल्मन सैल्मन ही रहेगा, डियर डियर ही रहेगा, ज्वेलरी ज्वेलरी ही रहेगी, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहेगा। अब देखते हैं ओट्स। अब कुछ होते हैं जो प्लूरल ही रहते हैं और वो प्लूरल ही रखेंगे हम। ओट्स ओट्स, ट्राउजर्स ट्राउजर्स, प्लायर्स प्लायर्स, ट्विजर्स ट्विजर्स, ठीक है। तो ये हमारे थे, इनमें थोड़ा वोवल चेंज था, कोई रूल नहीं है इनके, वोवल चेंज है, इसमें क्या है कोई चेंज नहीं है, और ये प्लूरल थे इनमें भी कोई चेंज नहीं है। चलो लेट्स डू द सम एक्सरसाइज, करेक्ट द प्लूरल, आपको प्लूरल सही करना है। यहाँ लिखा हुआ है टूथ टूथ्स, क्या टूथ का प्लूरल टूथ्स होता है? नहीं, इसका होता है टीथ। राइट डाउन टीथ, टी डब्ल ई टी एच, टीथ। सेकेंड टेक्सवेस, टेक्सवेस नहीं, इसका क्या होगा हमारा? टैक्सेस, लिखो टी ए एक्स ई एस, टी ए एक्स टी ई एस, टैक्सेस, वी नहीं आएगा इसमें। देन है करीस, ये क्या है? करीस, आपको बताया था कि अगर वाई हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे हम, वाई को आई बना देंगे और उसके साथ ई एस, लिखो सी यू डबल आर आई ई एस, करीस। देन यहाँ पे सैल्मन, सैल्मन हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था कि उसका कोई प्लूरल नहीं होता, हम वैसा का वैसे लिखते हैं, सैल्मन का करेगा सैल्मन ही। देन फ्राइज, अभी जैसा हमने पढ़ा था वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा के आई ई एस लिख देंगे, तो लिखिए एफ आर आई ई एस, फ्राइज। देन सीजर, सीजर का क्या होगा? सीजर्स हो जाएगा, सीजर्स का क्या हो जाएगा? सीजर्स, एस लगाना है आपको एंड में, सिर्फ एस। कंपल्सवेस, कंपल्सेस का तो आपको लिखना है सी यू एम, सी यू एम पी यू एस सी एस, सी यू एम पी यू एस सी एस, कंपसेस। बेकरी, बेकरीज, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो वाई है उसके साथ आर है, तो यहाँ कॉन्सोनेंट है वाई के साथ तो वाई हटके आई ई एस, बी ए के ई आर आई ई एस, बेकरीज। देन कम्स ऑक्सेज, ऑक्स एक एक्सेप्शन है, आपको लर्न करना पड़ेगा, ऑक्स का होता है ऑक्सन, ऑक्स का होता है ऑक्सन, ओ एक्स ई एन, ओ एक्स ई एन, ऑक्सन। टेंथ वन स्काफ्स, स्काफ्स का हमने दो पढ़े थे, आप कुछ भी लिख सकते हो, एस सी ए आर वी ई एस, एस सी वी आर, एस सी ए आर वी ई एस, वैसे स्काफ्स भी सही है क्योंकि हमने पढ़ा था अभी। देन जर्नीस, देन जर्नीस, आपको पता है जर्नी के अंदर वाई आता है और वाई से जस्ट पहले क्या है, एक वोवल है, तो हम आई एस नहीं लगाएंगे, हम उसमें सिर्फ एस लगाएंगे, लिखो जे ओ यू आर एन ई वाई एस, एन ई वाई एस। गूजेस, गूजेस होता है नहीं, गूज का क्या होता है? गीज, जी डब्ल्यू एस सी, गीज, हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था। देन माउसेस, माउसेस का नहीं होता, ये आपको एक्सेप्शन है, इसमें आपको लिखना है माइस, एम आई सी ई, माइस, माउस का प्लूरल होता है माइस। नाउ फोर्टीन्थ पर्संस, पर्संस का नहीं होगा, पर्संस का हम क्या कर देते हैं, अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो हम उनसे क्या कहते हैं, पीपल, हम क्या कहते हैं, पीपल, पी ई ओ पी एल ई, पीपल।
पीस स्पेस, ये गलत है, लिखो एस पी ई सी आई ई एस स्पेशीज स्पेशीज एस पी ई सी आई ई एस स्पेशीज लिखना है आपको। एसेस एसेस की स्पेलिंग ऐसी होती है, नहीं, लिखो ई डबल एस ए वाई एस ई डबल एस ए वाई एस, वाई से पहले वोवल है तो हम सिर्फ एस ऐड करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, करेक्ट द एरर एंड री राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक। हमें एरर फाइंड करना है और उसे सही। आई एम गोइंग टू बाय सम न्यू फर्नीचर, आई एम गोइंग टू बाय सम न्यू फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता, आपको क्या लिखना है, फर्नीचर, आई एम गोइंग टू बाय सम न्यू फर्नीचर, ओके, एस नहीं आएगा यहाँ पे। सेकेंड वन, आस्क योर पेरेंट्स एडवाइस, आस्क योर पेरेंट्स एडवाइसेस लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है, आस्क योर पेरेंट्स एडवाइस, क्योंकि एडवाइस कोई काउंटेबल थिंग नहीं है, एडवाइस कोई काउंटेबल थिंग नहीं है। थर्ड वन, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नहीं, आप लिखोगे शीप, आप क्या लिखोगे, शीप, शीप का जो प्लूरल होता है वो शीप ही होता है, ठीक है, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फोर्थ, आई सॉ इट ऑन द न्यूज, आई सॉ इट ऑन द न्यूज, तो आपको भी पता है न्यूज़ की स्पेलिंग ये नहीं होती, एन ई डब्ल्यू एस, एन ई डब्ल्यू एस न्यूज। फिफ्थ, दे हैड गुड वेदर्स ऑन देयर ट्रिप, दे हैड गुड वेदर्स, क्या मौसम प्लूरल हो सकते हैं, नहीं, मौसम उस टाइम एक ही हो सकता है, दे हैड गुड वेदर, एस नहीं आएगा यहाँ पे। We won the match by an inning. We won the match by an inning. Inning नहीं आएगा, यहाँ आएगा innings. ये क्या आएगा? Innings. ये plural रहता है और हमेशा plural रहता है. इसका कोई singular word नहीं है inning का. यहाँ ऐसा आएगा. She is suffering from measles. She is suffering from measles. Measles नहीं होता, measles आता है. यहाँ देख रहे हैं? ये इसे हम कहते हैं मीजल्स, चेहरे पे ऐसे निशान पड़ जाना बहुत सारे। शी इज सफरिंग फ्रॉम मीजल, एस लिखना है आपको। शी डिनाइड ऑल नॉलेजेस अबाउट द इंसिडेंट, शी डिनाइड ऑन नॉलेज, ऑल नॉलेज, उस इंसिडेंट के तो सिर्फ नॉलेज ही होगी ना, नॉलेजेस नहीं हो सकती, लिखो नॉलेज, एस हटा दो। नाइन्थ वन, टीवी इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, टीवी इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस नहीं है, कम्युनिकेशन आएगा यहाँ। टेंथ वन, आई विल नॉट कमेंट अंटिल आई हैव कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट द केस, ऑल द इंफॉर्मेशन, एस नहीं आएगा यहाँ पे, ऑल द इंफॉर्मेशन, एस काट दो। यस, so this was the number of noun, singular and plural. So we will continue our chapter in the next video about the compound noun. So thank you and have a nice day.